आज हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह जी। आज इनका बुलंदशहर दौरा, इनसे जानेंगे किस तरह से आने वाले चुनावों को आम आदमी पार्टी देखती है। संजय जी, आने वाले 2022 के चुनाव को किस तरह से आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है? देखिए, आज केजरीवाल जी ने ऐलान किया है और हम एक ईमानदार और अच्छा विकल्प उत्तर प्रदेश में देंगे। केजरीवाल जी ने कहा है 22 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री उत्तर प्रदेश के लोगों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? 400 यूनिट आधे दाम पे बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं बनना चाहिए? CCTV क्यों नहीं लगना चाहिए महिला की सुरक्षा के लिए? उत्तर प्रदेश के अंदर अच्छे स्कूल क्यों नहीं चाहिए? अच्छे अस्पताल क्यों नहीं चाहिए? तो इसलिए जो जिन सुविधाओं से उत्तर प्रदेश वर्षों से वंचित रहा है और लगातार पीछे जा रहा है, वहाँ हम एक ईमानदार और अच्छा विकल्प उत्तर प्रदेश की जनता को देंगे। और जो हमारा दिल्ली का मॉडल है, उस पर हम जनता के बीच में जाएंगे कि ऐसा उत्तर प्रदेश हम बनाना चाहते हैं। संजय जी, देश का किसान आज सड़कों पर है। एक तरफ आपके मुखिया कहते हैं कि जो किसान है उसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है, क्योंकि वो पराली जलाते हैं। दूसरी तरफ आप किसानों के समर्थन की बात करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? कब हमने कहा कि किसानों की वजह से प्रदूषण फैलता है? आपके मुखिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं हमने, आपने सुना होगा। पहली बात ये है कि आज किसानों का मुद्दा है ये काला कानून, प्रदूषण मुद्दा नहीं है। इसलिए नया मुद्दा अपनी तरफ से मत लाइए आप। जो मुद्दा है वो तीन काला कानून जो अडानी और अंबानी के लिए बनाया गया है, और इस बिल के विरोध में पार्लियामेंट में भी आपने देखा होगा मैंने विरोध किया था, माइक भी तोड़ा था संसद के अंदर, मुझे निलंबित भी किया गया था। अब तो किसानों की हड्डियाँ तोड़ी जा रही हैं, इस सरकार को भी निलंबित होना चाहिए। ये गुलाम सरकार देश में चल रही है, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की सरकार नहीं चल रही है, और इसलिए किसान भी इस बार मन बना के आया है, इनसे ये बिल वापस करवा के ही जाएगा। तो ये थे आम आदमी पार्टी से संजय सिंह जी हमारे साथ, जिन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से बताया। बुलंदशहर से लोकेश कुमार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।